And it's a very sensitive and a very important issue in the society. In everyday's life, you see someone or the other have faced this kind of a problem. When I was offered this film, I really thought that it is a film which is about social awareness, and I should do this film because I was offered the character of a lawyer, which I was playing for the first time. नहीं, उसके हिसाब से तो डॉक्टर डॉक्टर होने का मतलब ही पूरी तरह जिम्मेदार होना चाहिए। आप लोगों की जान अपने हाथों में ले रहे हैं, तो वो डॉक्टर्स तो ओथ भी लेते हैं। डॉक्टर जब जिससे पहले प्रैक्टिस करते हैं, उससे पहले ओथ ली जाती है डॉक्टर्स से, तो वो ओथ को वो बहुत स्ट्रांगली मानता है कि यू नो व्हाई ही इज़ अ डॉक्टर एंड व्हाट इज़ हिज इंटेंशन एज अ डॉक्टर। तो हाँ, ये है। आपने इतने सारे मतलब रोल्स के अलग अलग मूवीज में, इसमें आपने डॉक्टर का भूमिका निभाई, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? चैलेंजिंग था क्योंकि हम मेडिकल टर्म्स तो ना हम जानते हैं, मेडिकल प्रोसेसेस भी हमको ज़्यादा, जो डिटेल्ड प्रोसेसेस है हमको उसकी कुछ ज़्यादा समझ तो थी नहीं। ऑपरेटर्स जो चीज़ें आप हैंडल करते हैं उसको सही तरीके से हैंडल करना, तो इस सब में थोड़ा बहुत हमने वर्कशॉप्स की, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली कि वो सब आसानी से हो जाए। या तो ये मूवी मतलब रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है? हाँ, इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। वो किसी एक केस पर इंस्पायर्ड नहीं है, पर वो मतलब कि काफ़ी केसेस से को एक चीज़ से ये लेकर, एक केस से ये लेकर वैसे बनाई गई है फिल्म। बट बेसिक बात यह है कि ये होता है इस फिल्म में, जो भी आप देखेंगे कि जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, वो सब इवेंट्स आर वेरी बिलीवेबल और सब होता है।